जो नंगे सिर है अपना सिर ढक लीजिए। आइए जहां जहां माँ भगवती का पावन गुणगान कीर्तन चौकी जागरण के रूप में किया जाता है वहां पे पक्की वंदना रखना बड़ा जरूरी है। आइए महारानी जी का पावन पवित्र दरबार और पक्की वंदना रखेंगे आदरणीय भाई श्री राज सहगल जी। राज सहगल जी वैष्णो महारानी के दरबार जब आप जाओ तो वहां जाकर के ऐसा क्या नजारा हुआ, ऐसा क्या कारण बना कि पहाड़ों वाली के चरणों में मात गंगा के लिए कैसे पवित्र स्थान बना। तो बहुत ही सुंदर यह प्रसंग है जो मात गंगा भोले बाबा की जटाओं से निकलती है वही मात गंगा मेरी महारानी के चरणों में कैसे विराजमान हो गई। वो सुंदर प्रसंग है सोने दिगा हीरे वाली सोने दिगा हीरे वाली अपनी बगल दवाई पहाड़ा वाली जल भरने को आ। भोर का समय ब्रह्म मुहूर्त 4 और 5 बजे का पवित्र पावन वेला त्रिकूट पर्वत पर माँ त्रिकुटा के नाम से पूजी जाती है। आज इसी माँ के चरणों में कटरा की इस पावन धरती पर दीपावली का पर्व शक्ति भी इसी की यज्ञ भी इसका ना कोई यज्ञ कर सकता है ना कोई करा सकता है। हकीकत यही है अपना यज्ञ कैसे करा लेती है ये साक्षात प्रमाण है। कितनी मुश्किल थी पिछला एक हफ्ता हम सब के साथ कैसे कैसे आयोजन हुआ और कहां से कैसे हुआ ये तो माँ को बताने की जरूरत नहीं और ये जो जितनी संगत है इन्हें भी सबको पता है। महारानी का शाही पवित्र पावन दरबार लेकिन हकीकत यही है इतना भव्य ये मेरी महारानी का स्वरूप आज ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग यही है यही है यही है। महारानी का पवित्र पावन दरबार प्रसंग है ये बहुत पुराना माँ भगवती का पवित्र पावन पूरी दुनिया में जो पवित्र स्थान है उनमें सबसे बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है मेरी महारानी का वैष्णो महारानी का पिंडी रूप में माँ विराजमान है माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती। प्रसंग कैसे शुरू हुआ गुफा के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में हलचल होने लगी सभी देवी देवता इकट्ठे होने लगे आज वैष्णवी क्या लीला रचाने जा रही है ऐसा क्या होने जा रहा है। माँ की सभी सखियां गुफा के बाहर विराजमान हैं सभी देवी देवता आकाश मार्ग से गुफा से बाहर आने का माँ का इंतजार कर रहे हैं। बड़े सुंदर वस्त्र पहने मेरी महारानी
हीरे जवाहरात के गहने पहन करके सोने की गागर माँ ने हाथ में ली है और गुफा से जैसे ही बाहर आई माँ मंद मंद मुस्कुरा रही है। आकाश मार्ग के रास्ते माँ अपनी सखियों के संग मात गंगा की ओर चल पड़ी। सभी देवी देवता भी ऊपर से देख रहे हैं। इस हाजिरी में इस भजन में जो ध्यान लगाएगा मुंह मांगी मुराद पाके जाएगा। आज मेरी माँ का वो रूप है। कौन कौन माँ के नाम का भिखारी है? जो मेरी महारानी के नाम का भिखारी है वो एक बार सहृदय दोनों हाथ उठाइए और कहिए जय माता दी। जय माता दी। पक्का भजन मेरी महारानी के दरबार का। पहाड़ा वाली जल भरने को आ सोने दिगार हीरे वाली अपनी बगल दबाई पहाड़ा वाली जल भरने को आई पहाड़ा वाली जल भरने
बेला मां सखियों के संग चल पड़ी, ताली बननी हुई। कसम है जो लाइन में लगे हैं वो भी सारे मेरे भाई बहन, मेरे रेस्पेक्ट के जितने आए हुए सभी बड़ी बड़ी तालियों के साथ सारे। अमृत वेला सुबह सवेरा सखिया ने है पाया तेरा, जल भरने को आया पहाड़ा वाले, जल भरने को आया दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ कंधे से ऊपर से ऊपर से ऊपर तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ, जो मात गंगा के किनारे। जैसे ही मां पहुंची, मात गंगा दौड़ के बाहर आ गई। हे वैष्णवी, आज आप ये ने क्या किया है? आपने मुझे हुक्म दिया होता, मैं आपने मुझे आज ऋणी कर दिया है, स्वयं आपको चल के आना पड़ा। मां मंद मंद मुस्कुराने लगी, कुछ नहीं बोली। तो तेनु अपनी पेट चढ़ाए जल भरने को पहाड़ा वाले, जल भरने सखियों के संग वापस चलने लगी। उठाइए दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, तालियों के साथ सारे। नचती नचती गोती गोती पर्वत पर्वत गोती गोती नचती नचती गोती गोती पर्वत पर्वत गोती गोती के साथ सारे। जय जय गंगे हर हर गंगे, तू चंगी तर करम गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, तू चंगी तर करम गंगे, चल तू माले चरनी लग के उत्तम पदवी पाए।
जल भरने जय माता दी, जय माता दी। दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे दरबार की ओर कीजिए, जोत की तरफ कीजिए। सबने मिलकर के अरदास करनी है, सारे ने मिलकर कहने हे माँ आज हम आपके दरबार में बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना बड़ा विश्वास लेकर आए हैं। हे महारानी जाने अनजाने में अगर हमसे आपके दरबार में आते हुए बैठते हुए ध्यान लगाते हुए कोई गलती कोई त्रुटि हो जाए हमें माफ करना। कहिए जय माता दी। गुणगान शुरू करें उससे पहले एक बात सीधी सीधी कि आज ये जो पावन यज्ञ यहाँ पर हो रहा है ये किसी एक की वजह से नहीं हो रहा है, इसमें आप सभी का सबका बराबर का सहयोग है। सबने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पावन यज्ञ में अपनी आहुति डाली है। जेड़े जेड़े मान मिल के आए ने जिन्होंने खुले दीदार किए ने उठाइए दोनों हाथ कई जय माता। आओ खुशियां वंडांगे नचांगे गावांगे भंगड़े पावांगे ते मदद दार करांगे। पावन दरबार इस दरबार के लिए किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है जो ये सर झुकाओगे इस दरबार के आगे तो ये सर झुकाना नहीं पड़ेगा किसी साहूकार के आगे। क्यों? क्योंकि जमाने के जुल्मों सितम से जो कंगाल हुए हैं इस दरबार पर आकर वो फिर से मालामाल हुए। कहिए जय माता दी। आइए रचदे गांदे खुशियां मनांदे पंगड़े पांदे माँ दे दीदार माँ दे पावन दरबार दी हाजरी। सबसे पहले आज के इस पावन गुणगान का आरंभ करेंगे भाई श्री हरीश कत्याल जी। हरीश कत्याल जी तालियों का सहयोग चाहिए सभी। जकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। एदा जे आसरा होवे सहारे ही सहारे ने एदी जे बेर हो जाए नजारे ही नजारे ने ओ बेड़ी डूब नहीं सकदी जिनी माँ तो मला होवे ओनू मझदार दे अंदर किनारे ही किनारे ने। मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा ताली का साथ दीजिए और कहिए सबने कहना है। मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवा दा सेवा।
ਜਗਜਨਨੀ ਕੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਮਾਈ ਦਾ ਆਓ ਲੈ ਲੋ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਮਾਈ ਦਾ ਤਾਲਿਕਾ ਸਾਦੀ ਜੀ ਔਰ ਕਹੀਏ ਆਏ
आइए महाराणा जी के पावन दरबार में एक सुंदर पक्की वंदना रखी जाएगी, उसके बाद नाचते गाते खुशियों के साथ जैसे दाती का हुक्म होगा सब मिलकर मां भगवती का गुणगान करेंगे। पक्की रचना बाईशी राज सहगल जी, राज सहगल जी। अक्सर हम सब लोग ये मानते हैं कि जो भी दरबार जाता है वैष्णो देवी, उन्हें समय बहुत कम मिलता है। पंडित जी, आज वैसा ही नजारा मैं भी यहाँ बैठा बैठा अपने भाइयों को देख रहा हूँ। बार बार इशारे हो रहे हैं, बाहर तक लाइन है, तो जल्दी जल्दी माथा टिकवा लीजिए। लेकिन जो जाता है ना, इतनी चाव से मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से भी, जो इतनी दूर से लाइन में लग के माथा टेकने भाव से आया है, उसे जरूर मिले दर्शन। एक माँ का बच्चा जिसका जन्म विदेश में हुआ, अपने माँ बाप से सुना करता था माता रानी रहती है पहाड़ों में, पहाड़ों पे वास करती है माँ। उसके मन में चाव आया कि मैं भी जाकर के दर्शन करूं माँ के, अपने घर से कह के चला मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, माता रानी के दर्शन करूंगा। गुफा में पहुंचा, पैदल चढ़ाई चढ़ता हुआ, क्योंकि मन में भाव था कि मुझे पैदल ही जाना है। दरबार पहुंचा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करता हुआ, गुफा में पहुंचा, नहीं जानता था कैसे दर्शन होते हैं। दर्शन हुए मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, अगले ही पल गुफा से बाहर। सकपका गया, ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतनी दूर हजारों मील दूर चल के आया, मुझे मां के तो दर्शन ही नहीं हुए। बाहर गुफा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को कहने लगा,
रात के समय दर्शन किए थे। चांद तारों से कहने लगा, पहाड़ों हे दिवाली मनाना आएगा। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हाथ तालियों के साथ सारे। काटियां मिलंगिया पहाड़ियां ने चढ़िया, काटियां मिलंगिया पहाड़ियां ने चढ़िया,
ऐसे नहीं दोनों हाथ बिल्कुल बिल्कुल अखा बंद कर जोत को देखिए नजारा मेरी माँ कैसे झूले पर विराजती है। जब माँ झूले पर विराजती है तो खुशहाली आती है। कौन कौन चाहेगा हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे समाज में खुशहाली आए। उठाइए दोनों हाथ तालियों के साथ सारे सारे। मेरी माँ लबदी नहीं, मेरी माँ लबदी नहीं, मेरी माँ लबदी नहीं, नहीं मेरी माँ लबदी नहीं, नहीं मेरी माँ लबदी नहीं, नहीं मेरी माँ लबदी नहीं, सच्ची गल कह गए से आए केड़े केड़े मंदे ने जन्म देने वाली मां दा कर्ज कोई नहीं ला सकता। पहले वो हाथ उठाइए दोनों हाथ बन चो गल के गए से आए जिस तन लगिया ओ तन जाने जाने सुख जावे जे रुक रुक सुख जावे जे रुक कड़े विच छा नहीं हुंदी ओ दे कोलों मेरे कोल मां नहीं हुंदी ओ दे कोलों मेरे कोल वक्त पवे ते हर कोई पासा बट जावे हो सकदा इक बारी रब भी हट जावे वक्त पवे ते हर कोई पासा बट जावे वक्त पवे के हर कोई पासा हट जावे हो सकदा इक बारी रब भी हट जावे हो सकदा इक बारी रब भी हट जावे हो सकदा इक बारी रब भी हट जावे दे सकदी है जान जान दे सकदी है जान ऐते कोलो ना नहीं हुंदी ओ दे कोलो पुत जिदे कोल मां नहीं तुम भी